देश के पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 19वां जन्मदिन जिला प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के तत्वाधान में बख्शीपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में धर्मनिरपेक्षता दिवस के रूप में मनाया गया तथा केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। इस मौके पर अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्षता के प्रतिमूर्ति होने के साथ ही संघर्षों के पर्याय भी रहे हैं। नेताजी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग छेड़कर देश के अंदर सद्भावना का संदेश दिया। गरीबों, मजलूमों, असहायों, पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाने का संघर्ष किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष हाजी तलवर हुसैन एवं जिला अध्यक्ष राम मिलन यादव ने कहा कि बच्चे को छोड़ करके हलक में थे और फिर के संघर्ष के दलितों के लिए, लेकिन दुनिया ने नारा किया था कि इतना हम काम करेंगे। उन्होंने दलितों के लिए सभी जगहों में, प्रदेश में ऊंची ऊंची जगहों पर अच्छे स्थान पाने पा रहे हैं। यह आदरणीय मुलायम सिंह यादव का दिन है। हमारे पीसीएस के इम्तहान में आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने हिंदी में पीसीएस की परीक्षा लेने का काम किया था। गरीबों की राजनीति, बेरोजगारों की राजनीति, मजदूरों की राजनीति किए हैं। इस देश में वही एक व्यक्ति था कि डॉक्टर लोहिया के सपनों को साकार करने के लिए, डॉक्टर लोहिया का कहना था बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो। मुलायम सिंह यादव जब कुर्सी पर आए, उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देने का काम किया था। वो निर्देश दिया करते थे अपने पार्टी के नेताओं को, कहीं भी जाओ तो हिंदी में भाषण किया करो। माननीय मुलायम सिंह यादव का 79वां जन्मदिन है। माननीय मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों की हमेशा लड़ाई लड़ी है और उन्होंने सच के आगे कभी झुकना नहीं सीखा है। बड़े से बड़े उनके सामने तमाम समस्याएं आईं और उन्होंने कानून का पालन किया और सख्ती के साथ उन्होंने अपने शासन को चलाया। हम आज उस शख्स के जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आज ये जो जन्मदिन 79वां मना रहे हैं, ये हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी का निर्देश है, क्योंकि शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी को अपने लहू से सींचा था और आज समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। इसलिए आज प्रगतिशील समाजवादी लोहिया का गठन हुआ है और समाजवादी पार्टी का आने वाले दिनों में पतन हो जाएगा और समाजवादी लोहिया शिवपाल जी के नेतृत्व में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कार्यकर्ताओं को और सारे लोगों को जो यहाँ आए हुए हैं। मुलायम सिंह यादव का आज हम लोग 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। सभी साथी उनके जन्मदिन के उत्साह में लवरेज है और निश्चित रूप से सब लोग ये आशा और विश्वास रखते हैं कि ये संगठन काफ़ी मजबूत होगा और शिवपाल जी यादव के नेतृत्व में इस दल को हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम सभी साथी मिलजुल करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे।